इस बार चैत्र नवरात्र का पर्व 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है और यह 17 अप्रैल तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि ममता मई माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य की अपार वृद्धि भी होती है। ज्योतिषियों की माने तो दशकों बाद चैत्र नवरात्र पर इस बार एक साथ 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में माता दुर्गा की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल यानी कि 8:30 पर समाप्त होगी। उदयत मान होने के चलते 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन घट स्थापना हेतु शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:48 तक है। इन दो शुभ मुहूर्त में साधक घट स्थापना कर सकते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थी सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 7:32 से लेकर अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 5:06 तक रहेगा। साथ ही चैत्र नवरात्र पर अश्विनी नक्षत्र का भी योग बन रहा है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 7:33 से है जो अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 5:06 तक है। इन योग में माता दुर्गा की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको बता दें कि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्र के साथ ही खरमास 13 अप्रैल को खत्म हो रहा है। नवरात्रि 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शुरुआती 5 नवरात्रों में खरमास का साया रहेगा। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन 6 नवरात्रि से सभी शुभ कार्य हवन पूजा विवाह आदि किए जा सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अच्छे कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस बार शुरुआती 5 दिन खरमास की वजह से शुभ कार्य बाधित रहेंगे।